गुड मॉर्निंग बॉयज एंड गर्ल्स, आप सभी का म्यूर पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हमारे लिए हर्ष का दिन है, खुशी का दिन है, लेकिन इस कोरोना महामारी के चलते आज जो स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त जो हम हमेशा बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, आज थोड़ा उसमें कमी नज़र आई। हाँ, एक हमें देश के नागरिक होने के नाते हमें राष्ट्रध्वज को फहराना बहुत ज़रूरी होता है, तो उसे हम पूरी ईमानदारी पूर्वक अपना निर्वहन करते हैं। तो वही बिना बच्चों के आज़ादी मिलते हुए आज हमें 74 ईयर्स हो चुके हैं, और एक दिन ये ऐसा आया है कि इस दिन पूरी स्कूल जो है बिना बच्चों के सूनी नज़र आई। जो माहौल होता था स्कूल में, सुबह जल्दी उठना बच्चों का, अपने मम्मी पापा को कहना कि मेरे कल 15 अगस्त है, तैयार होना और स्कूल आना, लड्डू के लिए भागना, तो आज थोड़ा सा फीका नज़र आया कहीं कि मज़ा नहीं आया वो जिस 15 अगस्त को हम बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते थे। लेकिन एक दिन ये कोरोना भी चला जाएगा और फिर पुनः अपन आने वाले गणतंत्र दिवस या 15 अगस्त को बड़े हर्षोल्लास के साथ मिलकर बताएंगे और बहुत दुगुनी खुशी के साथ मनाएंगे, क्योंकि भारत कोरोना पे विजय हासिल करेगा। तो आप सभी घर पे रहें, सुरक्षित रहें और अपने आसपास अपने परिवारजनों का सभी का ध्यान रखें। 15 अगस्त यानी आने वाला जो 15 अगस्त है उसको हम बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे, आने वाले गणतंत्र दिवस को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे और इस खुशी में मनाएंगे कि कोरोना पर हमने विजय प्राप्त कर ली है। जो महामारी पूरे वर्ल्ड में है, हम चाहते हैं कि इस 15 अगस्त के बाद आने वाले समय में ये धीरे धीरे ख़त्म हो और फिर हम स्कूल की ओर लौटें, क्योंकि बिना स्टूडेंट के पूरी स्कूलें खाली नज़र आ रही है, कुछ मन नहीं। हाँ, हम एक आपके ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आपसे जुड़े हुए हैं, लेकिन वो इन्जॉय या वो आनंद की या वो जिज्ञासा या वो स्फूर्ति का अनुभव हमें नहीं होता जो ऑफलाइन क्लास के अंदर होता है। तो जल्दी हम मिलेंगे। इसी के साथ आप सभी को मैं 15 अगस्त की शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। आज हम, मैंने कल आपको कहा था कि हम ठीटा के अंदर शांति प्रश्नाली के में कुछ प्रश्न लिखाऊंगा, 10 प्रश्न, तो वो मैं आज आपके व्हाट्सएप पे प्रश्न बना के भेजूंगा जिन्हें आप सॉल्व कर लेना। आज हम नेक्स्ट प्रश्नावली पढ़ेंगे, थीटा से ही रिलेटेड है। थीटा की 3 प्रश्न, 6, 7 और 8, तो थीटा से ही रिलेटेड है और उसका परीक्षा में वेटेज 3 नंबर का है। 3 नंबर का तो ये है और 2 नंबर का उसका सवाल जो है वो सड़क सुरक्षा में भी आता है। तो अपन अब थीटा की 3री प्रश्नावली जो है 8वीं प्रश्नावली डिस्कस करेंगे। तो आइए समझते हैं इसको। तो यूनिट इस बार कौन सी है? 8वीं यूनिट, 8 को हम करेंगे। ये ऊंचाई और दूरी, क्या है? ऊंचाई और दूरी। तो आज हम इसको पढ़ेंगे, ये भी थीटा से रिलेटेड है, 8वीं प्रश्नावली है। इसमें ये 3+2, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, 2 नंबर का सड़क सुरक्षा का इसमें से आ सकता है, तो 3+2 5 नंबर की ये प्रश्नावली हो जाती है, क्योंकि सड़क सुरक्षा का सवाल भी इसमें से कभी कभी पूछ लेते हैं, लेकिन 3 नंबर का सवाल तो इसमें से फिक्स है। समझते हैं, तो ऊंचाई और दूरी का हम जब क्वेश्चंस करते हैं तो ये ज़्यादातर कहाँ होता है? समकोण त्रिभुज के लिए होता है। कहाँ होता है? समकोण त्रिभुज के लिए ज़्यादातर हमें इसको कहाँ पढ़ते हैं? समकोण त्रिभुज के लिए। तो सबसे पहले इसकी बेसिक बातें जान लेते हैं, ये ABC किस तरीके से करेंगे। तो कहीं पर भी हमें किसी भी, मतलब पेड़ की हो, किसी दीवार की हो, किसी खंभे की हो, ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें, उसका आधार ज्ञात करना है या तिरेक ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो हम इस त्रिकोणमिति का यूज़ करते हैं। ऊंचाई और दूरी वाली प्रश्नाली से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो किसी दीवार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, उसके बेस आधार ज्ञात करना है, जैसे टॉवर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, पुलों की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो वो हम इससे करते हैं। तो ये ज़्यादातर कहाँ होती है? समकोण त्रिभुज। इसमें कौन सा समकोण त्रिभुज फॉलो होता है? तो ध्यान रखना, ये हमारा क्या है? आधार। ये क्या है? लंब। लंब कब है? जब ये न्यून कोण है। क्या है? न्यून कोण, वरना ये न्यून कोण है तो लंब ये हो जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं।
समकॉन्ट्रीब्यूट में। अब ध्यान रहा, इस आधार को हम क्या कहते हैं, क्षैतिज स्तर भी कहते हैं। कौन सा स्तर कहते हैं? क्षैतिज स्तर। इसको हम क्या कहते हैं? क्षैतिज स्तर। जैसे मैं खड़ा हूँ नीचे, तो ये मेरी फर्श क्या कहलाएगी? ये क्षैतिज स्तर कहलाएगी। तो जहाँ हम खड़े हैं ये हमारा क्या कहलाएगा? क्षैतिज। जहाँ पेड़ कहीं खड़ा है, समझ गए, उसकी जड़ वाला भाग जहाँ से वो भूमि से ऊपर उठा हुआ है, तो वो उसका क्या कहलाएगा? क्षैतिज स्तर कहलाएगा। ठीक है, ये इसका कहलाएगा शीर्ष, ये इसका शीर्ष वाला भाग है। आई बात समझ में? अब चलो, मान लिया मैंने इसमें ये आधार या क्षैतिज स्तर कहेंगे, इसको हम कर्ण कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। अब यार मान लिया एक व्यक्ति जो है वो नीचे खड़ा है, कहाँ खड़ा है? नीचे, यानी प्रेक्षक। क्या मान लिया मैंने इसको? प्रेक्षक। एक प्रेक्षक नीचे खड़ा है यानी क्षैतिज स्तर पर खड़ा है और ऊपर की ओर देख रहा है। कहाँ देख रहा है? ऊपर की ओर। यानी नीचे खड़ा है और कहाँ देख रहा है? ऊपर की ओर, या ऊपर की ओर देख रहा है, मतलब आँख से वो ऊपर की ओर प्रेक्षक देख रहा है। कहाँ देख रहा है? ऊपर की ओर, ऊपर की ओर। तो प्रेक्षक नीचे खड़ा है और वो ऊपर की ओर देख रहा है, तो इस क्षैतिज स्तर और प्रेक्षक की आंख के बीच का अवनमन कोण, प्रेक्षक की आंख से जो अवनमन, जो यूनियन कोण, जो कोण बनता है उसको यूनियन कोण। तो यूनियन कोण का बताया, जब प्रेक्षक नीचे हो और वो ऊपर की ओर देख रहा है तो ये क्या कहलाएगा इसका? ये प्रेक्षक की क्या है? दृष्टि रेखा। इसको मैं क्या कह सकता हूँ? दृष्टि रेखा। इसको क्या कह सकता हूँ? दृष्टि रेखा। कारण तो कहते ही इसको हम, इसके साथ इसको हम क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा। समझ गए? तो यहाँ जैसे कोई व्यक्ति खड़ा है, जैसे सड़क पे खड़ा है और वो ऊपर की ओर देख रहा है, थंबे को देख रहा है, दीवार को देख रहा है, दीवार की चोटी को देख रहा है, टॉवर को देख रहा है, तो प्रेक्षक एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है और वो ऊपर की ओर देख रहा है, तो ये क्या कहलाएगी? उसकी दृष्टि रेखा। और कहाँ से कोण बनता है? उसकी आँख से। क्षैतिज स्तर और उसकी आँख के बीच वाला जो ये कोण बनता है, इस कोण को जो हम कहते हैं, कौन सा कोण कहते हैं? उन्नयन कोण। क्या कहते हैं? उन्नयन कोण। तो आई बात समझ, उन्नयन कोण कहाँ बनता है? जब प्रेक्षक नीचे और वो ऊपर की ओर देख रहा हो, शीर्ष भाग को देख रहा हो, या शीर्ष पे कोई भी वस्तु रखी हुई है, कोई भी जैसे मान लिया वस्तु को देख रहा है, उसके शीर्ष को देख रहा है, तो जब प्रेक्षक नीचे खड़ा होकर इस ऊपर वाली वस्तु को देखता है तो ये उसकी दृष्टि रेखा कहलाई और ये इसका क्षैतिज स्तर कहलाया। इसके बीच में जो बनने वाला कोण है उसको हम क्या कहते हैं? उन्नयन कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं? उन्नयन कोण। तो आई बात समझ में उन्नयन कोण। फिर उसके बाद दूसरा देखो, अब मान लिया मैंने प्रेक्षक ऊपर की ओर है। प्रेक्षक कहाँ है? ऊपर की ओर, ऊपर की ओर है, मतलब यहाँ ये क्षैतिज स्तर हो गया। ये इसका क्या हो गया? क्षैतिज स्तर। ये इसका हो गया क्षैतिज स्तर। ये प्रेक्षक ऊपर की ओर है, मान लिया ये ए बी सी त्रिभुज है। प्रेक्षक कहाँ है? ऊपर की ओर, और वस्तु नीचे रखी हुई है, मतलब सड़क पे मान लिया कोई कार जा रही है, कोई भी जा रही है, तो जब प्रेक्षक ऊपर की ओर, मतलब छत पे खड़ा है और नीचे जाने वाले लोगों को देख रहा है, या किसी वस्तु जैसे कार जा रही है, मोटरसाइकिल जा रही है, कुछ भी हो उसको देख रहा है, तो प्रेक्षक ऊपर की ओर मतलब छत पे खड़ा है, कहीं दीवार पे खड़ा है, कहीं पर भी खिड़की से झांक रहा है, तो प्रेक्षक जब ऊपर हो और वो नीचे की ओर देख रहा है तो दृष्टि रेखा। तो ये की कहलाई, ये कहलाई दृष्टि रेखा। और ये क्या कहलाई? ये नीचे वाला आधार है, या नीचे वाला क्षैतिज स्तर कह सकते हैं इसको। तो प्रेक्षक जब देखने वाला ऊपर की ओर हो, छत पर हो, किसी टॉवर पे खड़ा हो, या कहीं पर भी खड़ा हो, वो ऊपर से जब नीचे की ओर देखता है तो दृष्टि रेखा तो यही कहलाई ना। तो प्रेक्षक और दृष्टि रेखा के बीच में ये वाला कोण बन रहा है, इस वाले कोण को हम कहते हैं अवनमन कोण। कौन सा कोण कहते हैं? अवनमन कोण। अब जैसे नाम से ही पता चला, नमन हम करते हैं, झुके नमन करते हैं बस, तो ऊपर से नीचे की ओर झुकना, यानी कौन सा कोण कहलाएगा? अवनमन कोण। तो प्रेक्षक जब ऊपर की ओर हो और जब वो नीचे देख रहा हो, तो इस दृष्टि रेखा और इस प्रेक्षक के क्षैतिज स्तर के बीच में जो कोण बनता है उसको अवनमन। अब ये वाला क्षैतिज और ये वाला क्षैतिज स्तर सेम है, ये भी क्षैतिज और ये भी क्षैतिज, तो ये वाला कोण इस वाले कोण के क्या हो जाएगा? बराबर। इसका मतलब उन्नयन कोण और अवनमन कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अवनमन कोण और उन्नयन कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर। तो आई बात समझ में, कि जब प्रेक्षक नीचे हो और वो ऊपर की ओर देख रहा हो,
तो प्रेक्षक की दृष्टि रेखा और आधार के बीच में जो बनने वाला कोण है उसको हम क्या कहेंगे, उनियन कोण। कौन सा कोण कहेंगे, उनियन कोण, यानी ऊपर की ओर देखता है। और जब प्रेक्षक ऊपर हो, छत पर हो और वो नीचे की ओर देख रहा है वस्तु को, तो दृष्टि रेखा और उसके बीच में जो बनने वाला कोण है वो कौन सा कोण कहलाएगा, अवनमन कोण कहलाएगा। इन्हीं उनियन कोण और अवनमन कोण पे हम जो क्वेश्चंस होंगे वो इस प्रश्नावली के अंदर देखेंगे। तो इसको आप कॉपी के अंदर नोट कर लेना कि जब प्रेक्षक नीचे और ऊपर की ओर देख रहा है तो कौन सा कोण बनेगा, इस क्षैतिज स्तर और प्रेक्षक के बीच में कौन जो बनने वाला जो कोण होगा वो कौन सा होगा, उनियन कोण। और जब प्रेक्षक ऊपर की ओर हो और वो नीचे देख रहा है वस्तु को, तो उसके बीच में बनने वाला कोण जो होगा वो कौन सा कोण कहलाएगा, अवनमन कोण कहलाएगा। आई बात समझ में? तो ये हुआ उनियन कोण और अवनमन कोण। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा, एक सिंपल सा डायग्राम से मैं बताता हूं इसको। तो देखो ध्यान रखना, ये वाला ए, ए बी और सी। तो बताओ यहां वस्तु है, ये क्षैतिज स्तर है, ठीक है, ये आधार कहलाता है, या क्या कहलाता है, आधार बेस। ये मान लिया दीवार है, कोई भी है। तो यहाँ पर प्रेक्षक यानी कोई व्यक्ति है, देखने वाला, प्रेक्षक को हम क्या कहेंगे, देखने वाला यहाँ। और ये क्या कहलाती है, दृष्टि रेखा। क्या कहलाती है, दृष्टि रेखा। तो क्या कहा है, क्षैतिज स्तर, ये प्रेक्षक है, व्यक्ति है देखने वाला, जो नीचे खड़ा है वो कहाँ देख रहा है वस्तु को, ऊपर की ओर। तो ये दृष्टि रेखा कहलाई। हमेशा ध्यान रखना उसकी आंख से, हमने उनियन कोण या अवनमन कहाँ से बनता है, उसकी आंख से, ध्यान रखना। तो प्रेक्षक ऊपर की ओर देख रहा है, वस्तु को देख रहा है, वस्तु यहाँ पर है, और प्रेक्षक नीचे की ओर खड़ा है, वो जब इसको देख रहा है तो ये दृष्टि रेखा कहलाई। और ये क्षैतिज स्तर कहला, तो क्षैतिज स्तर और इस दृष्टि रेखा के बीच में बनने वाला कौन, कौन सा कौन कहलाया, उनियन कौन। तो ये हो गया उनियन कोण का डायग्राम। आप इस तरीके से इसको बना लेना बोलिए, ठीक है। और इधर मैं वापस बना देता हूं, ये इसमें क्या कहा था मैंने, ये क्षैतिज स्तर है, मान लिया ऊपर की ओर है, छत पर है, तो ये इसका क्षैतिज स्तर हो जाएगा, ऊपर से देख रहा है, ये मान लिया प्रेक्षक है, ये इसकी दृष्टि रेखा है, और यहाँ रखी हुई है वस्तु, नीचे कुछ भी हो सकती है, जैसे कार वगैरह जा रही है। ये हो गया ए बी और सी। तो क्या कहा मैंने कि इस ऊपर की ओर जब प्रेक्षक है, ये जब नीचे की ओर देख रहा है, नीचे की ओर देख रहा है, तो इस दृष्टि रेखा और इस क्षैतिज स्तर के बीच में जो ये कोण बनता है, इस कोण को हम क्या कहते हैं, अवनमन कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं, अवनमन कोण। तो आई बात समझ में? तो दोनों डायग्राम ये अपनी कॉपी के अंदर, जब प्रेक्षक ऊपर है और नीचे देख रहा है, तो देखो बनता तो कोण वही है, क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच में भी, यहाँ ऊपर है तो ये क्षैतिज स्तर ये दृष्टि रेखा के बीच में कोण कहाँ से बनता है, आंख से, जहाँ से देखता है वो, ठीक है। तो जब नीचे खड़ा हो ऊपर की ओर वस्तु देख रहा है तो उनियन कोण, जब ऊपर खड़ा हो नीचे देख रहा है तो कौन सा कोण होता है, अवनमन कोण। और उनियन कोण और अवनमन कोण बराबर होते किस कारण से, क्योंकि ये एक तिरिक रेखा है, ये आधार और ये आधार, तो ये वाला कोण इस वाले कोण का कौन सा कोण कहलाता है, एकांतर कोण कहलाता है। इसलिए क्या कहते हैं कि उनियन कोण बराबर होता है किससे, अवनमन कोण से। तो कभी भी हमारे पास सवाल तो आएगा, लेकिन हम किससे करेंगे, उनियन कोण और अवनमन कोण दोनों क्या होते हैं, बराबर, क्योंकि एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर। ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, क्योंकि तिरिक रेखा है, ये भी क्षैतिज स्तर, ये भी क्षैतिज स्तर, ये तिरिक रेखा काट रही है, तो ये वाला कोण इस वाले कोण का क्या कहलाता है, एकांतर कोण कहलाता है। इसलिए उनियन कोण बराबर किसका होता है, अवनमन कोण के। तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे। अब हमें इसमें क्या करना है, हमें तीन थीटा के बारे में याद रखना है। एक तो थीटा, देखो इसमें एक तो साइन थीटा का वैल्यू में याद रखनी है, एक हमें कॉस थीटा की वैल्यू याद रखनी है, और एक हमें टेन थीटा की वैल्यू यहाँ याद रखनी है। इसके 30 डिग्री के मान, इसके किसके 30 डिग्री के मान, 45 डिग्री के मान और 60 डिग्री के मान हमें याद रखने, क्योंकि ये तीनों थीटा हमारे अंदर यूज होंगे यहाँ पर। तो साइन थीटा 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2, कॉस का साइन 45 का मान 1/√2, और 60 का मान कितना होता है, √3/2, जो हमने पहले लिखाया हुआ है।
कॉस 30 का मान कितना होता है, अनरूट 3/2, ये इधर आ गया, इसका मान 1/√2, कॉस 45 का मान, और कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2, टेन 30 का मान 1/√3, टेन 45 का मान 1, और 60 का मान कितना है, अनरूट 3। ये जो मान है ये अपन को याद रखना है, साइन 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री, और टेन 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री, क्योंकि इसी से रिलेटेड हमें इसके अंदर क्वेश्चंस पूछेंगे। आई बात समझ में? तो ये अपन को थोड़ा क्या करना है, ध्यान रखना है, क्योंकि इसी के आधार पर सवाल हमें क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। आई बात समझ में? तो ये तीनों थीटा के मान जो है आपको याद रखना है, पर ये याद रखना है कि यूनियन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है, बता दिया मैंने, प्रेक्षक नीचे ऊपर की ओर देख रहा हो तो यूनियन कोण, और प्रेक्षक ऊपर और नीचे की ओर देख रहा है तो अवनमन कोण, ये हमें प्रश्न में बकायदा है सही तरीके से हमें दिया हुआ होगा। तो अब मैं इसको मिटा देता हूँ और लेता हूँ इसका पहला क्वेश्चन से एक सॉल्व हम करते हैं। सिंपल से क्वेश्चन है, अगर आपका डायग्राम इस प्रश्नावली में सही हुआ तो समझ लेना कि अपना आंसर इसमें राइट होगा, कभी गलत नहीं हो सकता, इसमें डायग्राम सही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डायग्राम, अपने डायग्राम अगर सही बनाना आपने सीख लिए तो समझ लेना कि इसका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होता है। आई बात समझ में? चलो तो हम इसका लेते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं इसका, क्या लेते हैं पहला क्वेश्चन, देखो पहला क्वेश्चन इसका लेता हूँ, क्या है क्वेश्चन नंबर वन, क्या कहा है, एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई, क्या कहा है, एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा, क्या कहा है, एक ऊर्ध्वाधर खंभा, तो मान लिया ये ऊर्ध्वाधर खंभा है हमारे पास, ये खंभा जब भी हमारे पास आए, खंभा पेड़ स्तंभ दीवार, तो सीधे पहले आपको ये बढ़ा, क्या कह रहा है, ऊर्ध्वाधर खंभा मान लिया मैंने, ये ऊर्ध्वाधर खंभा मान लिया ए और बी, क्या मान लिया ए और बी। तो पहला क्वेश्चन आप ध्यान से बुक्स में देखना, एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई, बताओ इस खंभे की परछाई कहाँ पर होगी, नीचे होगी, मान लिया यहाँ तक इसकी परछाई है, ये खंभा है इसकी परछाई नीचे होगी ना, छाया कहाँ बनती है, नीचे बनती है, तो खंभे की परछाई मान लिया ए सी मान ली मैंने, खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण बताओ, उन्नयन कोण बताना है, ये जो कोण है ये उन्नयन कोण, यही तो है उन्नयन कोण भाई, नीचे वाला ही तो होता है उन्नयन कोण, तो ये कह रहा है कि एक खंभा है, ये क्या है खंभा, और ये इसकी क्या है परछाई, और ये क्या है उन्नयन कोण। आई बात सुनिए, तो अब ये क्या कह रहा है कि खंभा और ये इसकी परछाई, इन दोनों की ऊंचाई जो है, खंभे और परछाई की, खंभे की ऊंचाई और परछाई की लंबाई, ये दोनों क्या है बराबर, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना डिग्री का होगा वो हमें पता करना है। तो क्या कहा, एक खंभा है हमारे पास, उसकी परछाई ये है, मान लिया हमने परछाई ए सी मान ली, और ये खंभा, अब कह रहा है खंभे की ऊंचाई और परछाई की लंबाई दोनों क्या है बराबर, दोनों बराबर है तो बताओ दोनों को मैं इसको एच एक्स मान लेता हूँ ना, इसको एक्स माना तो इसको भी क्या मान लेता हूँ एक्स, दोनों बराबर है तो दोनों को एक्स एक्स मान लिया, दोनों को एक एक मान लो, दोनों को दो दो मान लो, कुछ भी मान लो, तो ये खंभे की ऊंचाई और ये परछाई की लंबाई, क्या कहा, खंभे की ऊंचाई और परछाई क्या है बराबर है, तो इसको x माना तो इसको h मानता तो h कुछ भी मान लो बोली, लेकिन दोनों बराबर मानने हैं तो हमें इस थीटा का मान पता करना है। तो ये डायग्राम बना दिया, चलो तो क्या लिखूंगा मैं, त्रिभुज ए बी सी से, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, तो सॉल्व करते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा, ये तो हुआ डायग्राम, इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको, तो त्रिभुज ए बी सी में इस उन्नयन कोण का मान हमें ज्ञात करना है, सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, कह रहा है कि ये सूर्य कितने उन्नयन कोण पर है जिससे उसकी परछाई और ऊंचाई बराबर हो गई है, तो त्रिभुज ए बी सी में, ये बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना बोर्ड में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैं बताऊंगा जब बोर्ड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो किस वाले बोर्ड के अंदर ये पूछा हुआ है वो भी हम पता कर लेंगे। तो त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में देखो क्या लिखेंगे बताओ, अब यहाँ एक हमें ध्यान रखना है कि साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है लंब बटा कर्ण, और कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है लंब बटा आधार, कैसे पता किया, तो लाल बट्टा कक्का हमें याद रखना है, ये चीज हमें याद रखनी है, लाल बट्टा कक्का क्या है लंब बट्टा कण का मतलब साइन थीटा, आधार बट्टा कण का मतलब कॉस थीटा, और लंब बट्टा आधार का मतलब
टेन थीटा, तो ये चीज़ भी हमें याद रखनी पड़ेगी। साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार बटा कर्ण और टेन थीटा इज इक्वल टू लंब बटा आधार। तो किससे याद करेंगे? लाल बट्टा कक्का से। लंब बटा कर्ण साइन, आधार बटा कर्ण कॉस और लंब बटा आधार टेन थीटा। तो अब बताओ, ध्यान रखना, बताओ इसमें क्या दिया हुआ है? एक तो परछाई है और एक लंबाई है, मतलब ये लंब है और ये आधार है। ये क्या है? लंब है और ये क्या है? आधार। तो बताओ लंब और आधार के लिए हम कौन सा थीटा यूज करेंगे? टेन थीटा। आई बात समझ में? तो क्या दिया हुआ, जो आपको दिया हुआ, जिसको ज्ञात करना है या जो दिया हुआ, उन दोनों को देखना है, वो क्या है? साइन कॉस और टेन में से कोई एक आपको मिलेगा। तो ये आधार है और ये लंब है, तो लंब बटा आधार का मतलब क्या होता है? टेन थीटा। तो एबीसी में मैं क्या लिखवा दूंगा? टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। आई बात समझ में? तो देखो आगे लिखता हूं, टेन थीटा बराबर, बताओ लंब का मान कितना है? एक्स। आधार का मान भी कितना है? एक्स। आई बात समझ? एक्स से एक्स कटा, तो बताओ आंसर कितना आ गया? एक। तो क्या लिख दूंगा यहां पर? टेन थीटा बराबर एक। अब हम अपन को तो थीटा लाना है, टेन थोड़ी लाना है। हमें तो थीटा का मान ज्ञात करना है, यूनियन कौन ज्ञात करना है। तो बताओ एक इधर टेन है तो उधर भी तो टेन लाना पड़ेगा। ध्यान रखना, डायरेक्ट नहीं लिखना, यहाँ से डबर कर जाएंगे, डायरेक्ट नहीं लिखना है कि टेन एक किसका मान होता है। पहले हम एक की वैल्यू लिख रही है, ये किसका मान होता है? एक का। टेन पैंतालीस का मान, यानी अगर इधर टेन है तो उधर भी टेन होना चाहिए। तो एक किसका मान होता है? टेन पैंतालीस का होता है, क्योंकि टेन जो 45 है उसकी वैल्यू कितनी होती है? एक। तो बताओ मैंने एक की जगह क्या लिख दिया? टेन 45। टेन 45 से टेन 45 कट गया, सॉरी टेन से टेन कट गया, तो थीटा बराबर कितना आ गया? 45 डिग्री। आई बात समझ में? कितना आ गया? 45 डिग्री। इससे क्या पता चला कि जब भी किसी दीवार, खंभा, कोई भी हो, उसकी ऊंचाई उसके आधार के बराबर हो, ये ऊंचाई कभी भी इसके आधार के बराबर हो, तो ध्यान रखना हुआ थीटा हमेशा कितना आएगा? 45 डिग्री आएगा। कितना आएगा? 45 डिग्री। तो ये ध्यान रखना। तो हमने क्या लगा, त्रिभुज एबीसी में पहले बनाया, ये एक ऊर्ध्वाधर खंभा है, ये इसकी परछाई है, ये हमने मिला दिया इसको, इसके शीर्ष को सी बिंदु से, खंभे की ऊंचाई और परछाई बराबर है, तो इसमें टेन थीटा क्यों लगा? क्योंकि ये लंब है दिया हुआ और एक आधार है, लंब और आधार की बात हो रही है, तो लंब बटा आधार, लंब बटा आधार एक्स, एक्स से एक आ गया, और टेन थीटा तो इधर भी टेन थीटा आना चाहिए, तो एक किसका मान होता है? टेन 45 का मान एक होता है, टेन से टेन कट गया, तो थीटा बराबर कितना आ गया? 45 डिग्री। तो इससे क्या पता चला कि जब किसी दीवार, खंभा, पेड़ वेड़, उसकी ऊंचाई उसकी छाया के बराबर हो, आधार उसकी ऊंचाई के बराबर हो, तो हमेशा वहां थीटा कितना आएगा? 45 डिग्री आएगा। तो इसका राइट आंसर कितना हो गया? 45 डिग्री। आई बात समझ में? चलो तो ये सिंपल सा, अब हम इसका लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब इसका हम लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलो इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखो दूसरा क्वेश्चन। यदि एक मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी से उसके शिखर का यूनियन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात। क्या कहा है? एक मीनार का पाद बिंदु, तो मीनार का पाद बिंदु का मतलब होता है मीनार का आधार ए और बी। ये मान लिया मीनार है, मीनार होगी ना, एक मीनार है को भी। अब इसके पाद बिंदु का मतलब क्या लाता है? ये पाद बिंदु, पाद बिंदु का मतलब आधार है। पाद बिंदु का मतलब क्या होता है? आधार। पाद बिंदु का मतलब क्या होता है? जहां ये खड़ा है, समझ गए, जहां से इस तरह, ये क्या कहलाता है? इसका पाद बिंदु, जहां से ये सीधा खड़ा है, तो ये कहलाता है इसका पाद बिंदु। क्या कहा? मीनार के पाद बिंदु 100 मीटर की दूरी, इसके पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी, ये इसका पाद बिंदु कहलाया, इससे 100 मीटर दूर, तो ये मान लिया 100 मीटर दूर, इससे 100 मीटर 37 की, और इसके आधार से, ये इसका आधार मतलब कहलाया, इसका जो नीचे वाला भाग है ये क्या कहलाएगा? पाद बिंदु, जहाँ से वो खड़ा है, इससे 100 मीटर दूरी पर, मान लिया 100 मीटर की दूरी पर, ऐसी माप के मैं नहीं करना, ऐसे बता दो कि 100 मीटर की दूरी से उसके शिखर का यूनियन, क्या कहा? 100 मीटर की दूरी से, यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर ही मान लिया सी बिंदु, इससे इस शिखर का यूनियन कौन, तो यूनियन कौन हमेशा नीचे खड़ा होता है, ऊपर की ओर देखते हैं, यूनियन कौन कितने डिग्री का है? यूनियन कौन का है? 60 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? 60 डिग्री। तो क्या करा है? मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो देखो क्या कहा है, एक मीनार है और ये मीनार का पाद बिंदु है, जहां से मीनार खड़ी है वो उसका पाद बिंदु कहलाता है, मतलब
आधार कहलाता है। और इस मीनार के 5 बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर, 37 की और 100 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है, मान लिया बिंदु, मान लिया सी। इस सी बिंदु से इसका ओनियन कोण, ओनियन कोण का मतलब होता है इस मीनार के शीर्ष का, इस शीर्ष का क्या कहला रहा है, ओनियन कोण। के यहाँ से देखने पर इसका ओनियन कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री पर यह दिखता है, समझ गए। इसका ओनियन कोण कितना है, 60 डिग्री। तो ये कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये बना दिया हमने डायग्राम। अब इसकी हम करते हैं सॉल्विंग, सॉल्व करते हैं इसको डायग्राम बनाने के बाद। बताओ क्या है ये त्रिभुज एबीसी, वापिस त्रिभुज एबीसी में प्रश्न आपको समझ में आ गया, डायग्राम समझ में। हमेशा पहले 90 डिग्री मतलब लंब कोई भी खंबा है, स्तंभ है, मीनार है, सीधी बनाओ, फिर देखो ये किधर कितनी दूरी पर है, कौन सा कौन पूछा हुआ है। तो मीनार, मीनार से 100 मीटर की दूरी पर एक बिंदु, उस बिंदु से ओनियन कोण कितना, ओनियन कोण मैंने बता दिया नीचे बनेगा, तो 60 डिग्री का कोण बना है मीनार की ऊंचाई। बताओ ये वाला और ये वाला, ये क्या है लंब और ये क्या है आधार। तो अभी मैंने कहा लंब और आधार होता है तो क्या लगा था, टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा आधार। तो बताओ क्या लगेगा यहाँ पर, लंब और आधार दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटा, बताओ थीटा कितने डिग्री, पहले वाले सवाल में थीटा ज्ञात करना था, यहाँ थीटा दिया हुआ है, तो बताओ क्या हो जाएगा, टेन 60 डिग्री बराबर लंब, लंब क्या है एच, और आधार कितना है 100, तो टेन 60 बराबर एच बटा 100। बताओ टेन 60 का मान कितना होता है, अभी बताया टेन 60 का मान, अभी यहाँ तो टेन 60 का मान हमें आ गया ना, वहाँ तो थीटा ज्ञात करना था, यहाँ दिया हुआ है टेन 60 का मान होता है अनरूट 3, कितना होता है 3 बट्टा एच बट्टा 100। अब बताओ क्या हो जाएगा, यहाँ क्रॉस गुणा कर लेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे तो एच का 1 से गुणा एच, और 100 का अनरूट 3 से गुणा क्या हो जाएगा, 100 अनरूट 3। तो ऊंचाई कितनी आ गई, 100 अनरूट 3 मीटर, ये हो गया आंसर। अभी बात समझ में, अगर यहाँ हमें आगे मान ज्ञात करना है तो हम अनरूट 3 की वैल्यू भी रख सकते हैं, 1.732। अंडर तीन की वैल्यू कितनी होती है, 1.732। तो आगे अगर सॉल्व करना तो एच, कभी अगर आंसर ये नहीं मिले तो वहाँ ध्यान रखना है 1. जैसे अगर परीक्षा में आता तो इतना ही करना है, लेकिन अगर पूछ ले कि अंडर तीन का मान रखना है तो ये मान रख दो, पॉइंट आने के बाद देखो कितने आ गए, 1, 2, 3, 0, समझ गए, पॉइंट के बाद 1, 2, 3 संख्या, तो 3 0 बट्टे में आ जाएंगे, 2 0 से ये 2 0 कट गए। तो बताओ क्या आएगा, एच बराबर ये 10 है ना, तो एक पॉइंट आ गए तो 173.2 मीटर। तो आई बात समझ में, मीनार की ऊंचाई कितनी है, 173.2। या तो ये आंसर लिखो या फिर ये आंसर लिखो, दोनों सेम ही हैं। आई बात समझ में, ये कब, जब अंडर तीन का, हमें कहा है कि अंडर तीन का मान रखो, तो अंडर तीन का मान कितना होता है, 1.732, ये हमने रख दिया। पॉइंट आए तो 1, 2, 3, 3 0 आगे बट्टे में, 2 से 2 0 कट गए, तो इसका अलग 10 का इसमें भाग दिया तो कितने हो गए, 173.2 मीटर। तो ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। तो समझ गए आप, इतने आज जो हमने पढ़ा है उसमें आपको समझ, ये सब किसके लिए है, त्रिकोणमित में, ये सब समकोण त्रिभुज में ही, ये हमें पता चला किसी की ऊंचाई ज्ञात करनी है, उसकी त्रिक ऊंचाई ज्ञात करनी है, आधार ज्ञात करना है, हमें कितनी दूरी पर है तो हम इससे ज्ञात कर सकते हैं। आई बात समझ में, तो ध्यान रखना इसके लिए हमें क्या, एक तो ओनियन कोण के बारे में पता होना चाहिए, एक अननोन कोण के बारे में, थीटा की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, साइन कॉस और टेन की। तो आसानी से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, डायग्राम से ही होना चाहिए तो क्वेश्चन राइट होगा, कभी गलत नहीं होगा, 5 नंबर इस प्रश्नावली से बनते हैं। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट जो वीडियो है वो कल अपलोड करेंगे। धन्यवाद।